माँ बाप को बहुत ज्यादा मिस कर रही हो, घर में कोई नहीं है, बड़े भाई भी मिस कर रहे हैं, बोलो बता भी नहीं सकती ना। अस्सलाम वालेकुम, शुभ सकाल बंधुरा, आप सभी को बहुत 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 मुबारकबाद। सुबह सुबह उठ के ही ना, मैं कल रात बहुत लेट सोई थी, 12-1 बजे, तो मैंने देखा दादी माँ प्याज छील रही थी, और सुबह का जो नज़ारा है, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बोलूँ। हर कोई परेशान है नमाज को लेकर, कब जाएंगे। और मेरे हाथ में नेल पेंट लगा था, और नेल पेंट के साथ ना नमाज नहीं होती, आप लोगों को पता है, तो इसीलिए उसको मैंने रिमूव किया आफ्टर दैट, क्योंकि हमारे घर में ही जो पाड़ा के जितने औरतें हैं ना, नमाज अदा करते हैं, तो इसीलिए घर की साफ़ सफाई की, उसके बाद सब लोग आ गए, मैंने नहा लिया था, नहाने के बाद फिर नमाज के लिए रेडी हो गई। सबको मेरी तरफ से ईद उल अज़हा की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमाज पढ़ के आते फिर बात करते हैं। और नमाज के बाद मेरा मूड और ज्यादा ऑफ हो गया, पूछो मत। ये मेरा भांजा है राजू का, याद है ना राजू का लड़का, मेरा पुप्पी का नाती है, पोता है। ईद मुबारक, ईद उल अज़हा आप सभी को बहुत सारी मुबारक, बहुत अच्छे से ईद मनाइए, और स्पेशली योर पेरेंट्स रिस्पेक्ट कीजिए उनको, उनको बताइए कि बहुत ज्यादा प्यार करते हैं हम आप लोगों से। इजहार करना जरूरी होता है, क्योंकि हर किसी के पास माँ बाप नहीं होता, स्पेशली कोई ओकेशन, ओकेशन के दिन जैसे कि ईद, सबसे ज्यादा माँ बाप की याद आती है। मेरी तो किस्मत वैसे खराब ही है, माँ बाप का प्यार तो मिला ही नहीं, बचपन से दूर तो रही हूँ, और ईद का दिन स्पेशली बहुत ही ज्यादा मूड ऑफ होता है, कुछ अच्छा नहीं लगता। सो रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, साथ है तो खुशी मनाइए, अच्छे से ईद मनाइए। दुनिया में माँ बाप है तो सब कुछ है, माँ बाप नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छे से ईद मनाइए, और बस इतना ही कहना है। माँ बाप को बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ, घर में कोई नहीं है, बड़े भाई भी मिस कर रहे, बोलो बता भी नहीं सकती ना, क्योंकि वो लोग भी दूर है, इसकी बजाय हम लोग ही है, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, बच्चों के लिए ही करते हैं माँ बाप मेहनत, तो उनको प्यार देना चाहिए, प्यार से रखो, इज्जत दो बस। लेकिन इतनी तो है कि माँ बाप के बिना ना ईद कहो कोई भी अच्छी, जैसे कोई अच्छी चीज में आप शामिल होते हो ना, तो ऐसा लगता है कि अधूरा सा है ना। और मैं अभी मायके में हूँ, फिर भी अब्बा माँ तो है नहीं, तो सारे जो जिम्मेदारी है घर की, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे को उठाना पड़ता है। 8-9 साल से ऐसे ही रह रही हो, और आज भी हस्बैंड आएंगे शाम को शायद, मे भी, और नहीं आएंगे तो परसों आएंगे। सो अभी तक खाना वाना कुछ नहीं बनाई मैं, और बड़े भाई भी उदास है, तो कुछ बनाएंगे उनके लिए है ना, तो चलो फिर। तो सुबह सुबह उठ के ही मैंने सबसे पहले बनाया छोला भटूरे, कहते हैं शायद आप लोग, लेकिन हम लोग इसे कहते हैं लूची और छोला की एक तरकारी, तो वो बनाया। और उसके बाद मिल्क नहीं मिला था कल, क्योंकि आप लोगों को पता ही है ना, गांव में ऐसा होता है प्योर मिल्क मिलता है, लेकिन हम लोग पैकेट का मिल्क यूज़ नहीं करते, तो मिल्क नहीं मिला था, तो आज मिला, फिर मैंने दही बना लिया था, घर पे ही बनाया था हस्बैंड के लिए, और जैसे कि शिमाई बनाया। और मैं ना बहुत कोशिश कर रही थी कि बड़े भाई को हंसाने की, क्योंकि उदास था बहुत सुबह से, तो हंसा रही थी ऐसे वैसे बोल के, तो यहाँ पे पागलों की तरह हंस रहे हैं। কটা ভেঙেছে দেখি सुबह से हस्बैंड कॉल कर करके परेशान कर दिया, थोड़ा सा मेकअप कर ले, थोड़ा सा ढंग की कोई ड्रेस पहन ले, तो मैंने फाइनली नाइटी पहनी हूँ। और ये मेरे एक चाचा है, देख सकते हैं मिट्टी का घर है, वैसे तो गरीब है बट दिल के बहुत अमीर है, तो अल्लाह के लिए हर इंसान समान है, बराबर है।
मैं बहुत ही ज्यादा बिजी इंसान हूँ, ऊपर से ये देखिए मेरी बेटी आ गई, मेहंदी लगा रही, तो काम करूँ बताओ हीरोइन। मेरा मामा का लड़का आयन आया है। दाते के दांत को क्या हुआ था ना, कल मैं मेहंदी नहीं दी थी रात को, तो अभी दे रही हूँ और हस्बैंड भी आने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट ब्लॉग में विद माय हस्बैंड। सो अगर आपको नेक्स्ट ब्लॉग देखना है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप सबका ईद कैसा बीता, आपने कैसे सेलिब्रेट किया प्लीज कमेंट में बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।